हाँ बस पागल हो गई है क्या? ए, क्या कर रही हो? मैं कैसे लेकर आई है क्या? सांबर खाओगी तो दिमाग ठंडा रहेगा माँ। मैके का है जो लुटा रही है। इडली में सांबर, ब्रेड में सांबर, चपाती में सांबर, सांबर की नदिया बहा दी। एक काम कर, बाल्टी में सांबर भर, डुबकी लगा और बह जा। दादी सासू, अगर सांबर से ना आऊंगी ना तो और गोरी हो जाऊंगी। ए हड्डे हराम, क्या देख के लाया था रे तू इसको? गणेश, इधर आओ। क्या बात है पापा? अपना फोन देना। अरे ये क्या किया? अभी नया खरीदा था। ये फोन तोड़ने की क्या जरूरत थी? मेरी जिंदगी नरक बना दी है तुमने। मैंने? ये सिम किसके नाम पे? आपके नाम से। और इसका बिल कौन पे करता है? आप ही पे करते हैं। तो फिर इस फोन पे लड़की से प्यार भरी बातें करके उसे परेशान करोगे तो पुलिस किसको पकड़ेगी? ऑफ कोर्स आपको। वो मैं इस राज्य के सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स मेरे कमरे के बाहर वेट करते हैं सिर्फ मुझसे बात करने के लिए। लेकिन आज एक एसपी ने मुझसे शिकायत की, सर लड़की का चक्कर छोड़ दीजिए, आप तो शादीशुदा हैं, ये सब आपको शोभा नहीं देता। तुम्हारी वजह से मुझे लेक्चर देकर गया, उसकी नजरों में मेरी इज्जत क्या रह गई? कौन है वो बदनसीब? हमारे एरिया की एमएलए है। अरे वाह, इससे कम पोस्ट की लड़की नहीं मिली? तूने तो सीधा असेंबली में जाकर डाका डाल दिया। कितनी खुशी की बात है ना। तू चुप कर, इन मैसेजेस का क्या मतलब है? कौन से मैसेजेस पापा? 1 2 3 टुडे आई एम फ्री, 4 5 6 दिल है तुम पर फिक्स। स्कूल बुक से कॉपी मारा था। मेवा खिलाऊंगा, मेवा ना मिला तो? क्या लिखा है ये? शायरी ट्राई की है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, ये क्या बकवास है? अलार्म की रिंगटोन है। कब एक्सेप्ट करोगी? लव का एप्लीकेशन। ये बताओ तुम कब गिरोगी? लव लव में। तुम कब करोगी? फोन कॉल। तुझे तो मैं कर रहे है। एक बात बता बेटा, तुझे प्यार करने के लिए मेले के अलावा कोई नहीं मिली थी? अरे दादी, एमएलए से शादी हो गई तो लाइफ सेट हो जाएगी। लाल बत्ती वाली कार फ्री, सरकारी खर्च पर घूमेंगे, ट्रेन के लिए टिकट फ्री, ऊपर से सरकार की तरफ से फोन भी फ्री, राशन से लेकर भाषण तक सब फ्री मिलेगा दादी। इज्जत भी फ्री में नीलाम हो जाएगी। अरे यार क्या बकवास टाइमिंग है मनहूस साला। वेलकम सर। देखो बेटा, लड़की को ताड़ना घुमाना माँ बनाना तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन उससे पेरेंट्स को हार्ट अटैक हो सकता है। वो तो आपको भी हो सकता है। कहते हैं ना, यत्र नारी पूज्यन्ते समथिंग समथिंग देवता, इसका अर्थ जानते हो बांगड़ू? हाँ, लड़की को पूजोगे तो राखी बांधेगी, पटाओगे तो शादी कर लेगी, यही है ना अंकल? बाप रे। कमाल है सर, इसके लाइफ के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं। एक दिन इसको ही क्लियर कर दूंगा। अंकल से कुछ संस्कार सीखो। सॉरी सर, मैं उतना भी महान नहीं हूँ, मैंने ऊटी में खूंटी गाड़ दी, अब अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। बस कर, कितना डालेगी? मेरे स्वामी आ गए, मुझे कुछ नहीं खाना। अरे क्या हो गया, ऐसे सच धज रही है मानो कोई लड़का देखने आने वाला हो। भाई टकरू आया है ना? ऐसा मत बोल, मेरे लिए तो वो आज भी हीरो है। काय का हीरो, हीरो चपड़ गंजू तो लगता है। अभी तो उसके साथ घर जाएगी, खाना बनाएगी उसके लिए, वो खाना खा के खर्राटे मार के सो जाएगा। अब बुढ़ाओ से उम्मीद भी क्या करेगी, जवानी बर्बाद करे काय को। ए भैंस, मेरी बुराई कर करके और कितनी मोटी होगी। पद्मा अब घर चले, हिलना डुलना बंद करो वरना गिर जाएंगे। अरे गिरेंगे तो उसकी भी सेल्फी ले लूंगी। आज गिरना निश्चित। अच्छा सा मुंह बनाओ ना सुट्टू। तुझे माल गाड़ी में लाना चाहिए था। हम दोनों की जोड़ी कितनी मस्त लग रही। क्या कर रही हो तुम? अरे थोड़ा पास आ ना। अरे करीबा, अरे क्या कर रहा है? काजू, सुट्टू अपने माता पिता को अंदर लेकर जाओ ना। तुम भी चलो ना, हम चार जाएंगे। मैं भी आता हूँ, पहले तुम जाओ ना काजू। अमेरिका या पेरिस जाने के बजाय हमारे इलाके में कैसे आ गई? इससे हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? ये बातें बाद में करेंगे। वो लड़की कौन थी, तुमसे चिपक चिपक के सेल्फी क्यों ले रही थी? मुझे पता था तुम ये बात अवश्य पूछोगी। नारी का दूसरा नाम ही है ईर्ष्या, मतलब जहाँ जवान लड़की होगी वहाँ जेलसी होगी ही, शास्त्रों में भी यही लिखा है। चिकटपल्ली गांव के पुजारी गजपति शास्त्री की इकलौती पुत्री काजू है। जन्म लेते ही इसने मुझे अपना पति परमेश्वर मान लिया था, बहुत नटखट है। घूरो मत, क्या बात है बताओ? उसने पति माना और तुम राजी भी हो गए? क्यों ना हूँ, कब तक अकेले सेल्फीज लेता रहूंगा, अब तो फोन भी बोर हो गया होगा। यदि सही समय पर सही संगिनी ना मिली तो जीवन स्वाहा हो जाता है। धीरज रखो काजू। काजू, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, अपनी गलती मानती हूँ, इसलिए यहाँ आई। एक्चुअली प्यार के मायने तुम्हें खोने के बाद ही समझ पाई। मुंह बंद रखो,
तुम बात जारी रखो। तुम्हें याद करती हूँ, हर समय मिस करती हूँ। अच्छा, तुमसे मिलना चाहती थी तो चली आई। मेरी याद सताती है? अवश्य सताती होगी, मेरा प्रेम साधारण नहीं है। तुम्हें प्रेम की अग्नि में स्वाहा होना ही था। अब सब कुछ क्लियर है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप, उन्हें कन्विंस करना मेरा जिम्मा है, तुम बस अपने पेरेंट्स को मना लो। उन बुड्ढों को मनाना कोई बच्चों का खेल है? पहले ही काजू की वजह से सब स्वाहा हो गया। कोशिश करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है, तुम एक बार ट्राई तो करके देखो। हाय पूजा। हाय, तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैं पंडित जी से मिलने आई थी। दूसरा ऑटो भी आ रहा है, ये तो विघ्नेश लग रहा है। अरे विघ्नेश, अलग अलग ऑटो में क्यों आए हो? रास्ते भी अलग हो चुके हैं। सुन लिया तूने? आजा बताती हूँ। अच्छा, दोनों यहाँ लड़ने आए हो? मुझे लगा हमारा मामला सेट करने आए हो। चलो पहले तुम्हें स्वाहा करता हूँ। प्रमोशन मिलेगा तो अमेरिका जाएंगे, हमने फर्स्ट नाइट पे ही डिसाइड कर लिया था। लेकिन अब जनाब कहते हैं कि अपने माँ बाप के साथ ही रहेंगे, मुझसे किए वादे का क्या? जोश में आदमी होश खो बैठता है और गलत कमिटमेंट कर बैठता है, ये तो सदियों से होता आया है ना शास्त्री? बात ये है कि मैं बैचलर हूँ ना, तो फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस नहीं है। इस मैटर में मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? वैसे भी फर्स्ट नाइट जो होती है वो लव करने के लिए होती है, ऐसी बेहुदा कमिटमेंट्स करने के लिए नहीं होती। तुमने हाँ क्यों कहा? सब इसी की वजह से हुआ है। अब इसे क्यों बीच में ला रही हो तुम? सुनामी की जड़ तो यही है। इसकी मत सुन यार। क्या दादागिरी है? कुछ अच्छा हुआ तो स्त्री ने किया और कुछ बुरा हुआ तो पुरुष ने किया। मैं ये सब कैसे झेलूंगा? मैं रोज झेलता हूँ। मैथिली, मेरे ख्याल से ये लोग सही कह रहे हैं। अच्छा, तुम इनका सपोर्ट कर रही हो? मुझे तो लग रहा है गवर्नमेंट की तरह तुम भी बिक गई हो। शादी का मतलब है एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करना। बिना सैक्रिफाइसेस के हैप्पीनेस नहीं मिलती। मैं पहले ही बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर चुकी हूँ, अब इसकी बारी है। क्या कहा? तुमने सैक्रिफाइसेस किए हैं? कभी प्रियंका का नाम सुना है? प्रियंका लियोनी कहते हैं उसे। फैबुलस फिगर है। जब ये छत पर स्टडी करने जाता था उसी वक्त वो भी आती थी और वहीं के एक ओपनर बाथरूम में कुदरती लिबास में खुलेआम नहाया करती थी। सही कहा ना मैंने? बताना जरूरी था। लेकिन इसने क्या किया? इसने कभी मौके का फायदा नहीं उठाया, उसकी हवस को कभी कैच नहीं किया। कुछ समझी? इसे कहते हैं सैक्रिफाइस। प्रियंका कौन है? मुझे तो कभी नहीं बताया। उसे तो कब का भूला चुका हूँ, इसे कैसे याद रह गया? उसके उस कमाल के फिगर को कैसे भूल सकता है? दुनिया की बेस्ट रसमलाई थी, तुझे याद कैसे नहीं है? जब मैं उसे याद करता हूँ तो मेरा शरीर अपने आप ताकने लगता है। ये तो कुछ भी नहीं है, रसगुल्ले जैसी रीता कुमारी। एक बार इसकी रजाई में घुस के इसके साथ कुछ इको करने लग गई। लेकिन ये मेरा दोस्त गोल्डन चांस हाथ में आते हुए भी अपने मन को गंदा होने नहीं दिया। ये होता है डबल सैक्रिफाइस। वो बात अलग है कि इस किस्से के बाद गांव में अफवाह फैल गई कि रीता पेट से है। लेकिन उसने दुबई के शेख से शादी करके समाज के गंदे दिमाग और मुंह को बंद कर दिया। आज बेचारा रिक्शा में बैठकर अपनी सफाई देने आया है। व्हाट अ लेजेंडरी कैरेक्टर। कुकुर मुत्ते जैसी शक्ल और इतने सारे अफेयर्स। अरे यार जग्गू, अब तक तो हमारा कोल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन अब वर्ल्ड वॉर होना कंफर्म है। मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ। विगु, इनफ जग्गू, मम्मी पापा से मैं बात करूंगा। हे, तुमने उसके साथ क्या किया? इससे पूछने का क्या मतलब है? तूने उसके साथ क्या किया? लगता है तुम भी अपने बाप की तरह लोगों को चूना लगाने में लगे हो। इसके बाप ने कौन सी तोप चलाई थी? इसके बाप ने नहीं, इसके बाप ने पीछे कर्जा छोड़कर मर गया। उसने उतार तो दिया? हाँ उतार दिया, 300 करोड़ का दान करके। 300 करोड़? तुम्हारा बाप माफिया में था जो इतना कर्जा लिया था? पता नहीं कितने परिवारों को तबाह किया होगा जो ये सड़क पर आ गया। फकीर बन के कैसा लगा होगा? फुक्कड़ कहीं का, अमीर से गरीब होके दिमाग की बत्ती गुल हुई ना। एक्चुअली कर्ज उतार कर मुझे बहुत संतुष्टि मिली। संतुष्टि? एक अलग ही तरह की खुशी मिली। खुशी? ये जानने के बाद कि पैसों से खुशी नहीं मिलती, मुझे बहुत हैरानी हुई। हैरानी भी? इनफैक्ट अगर हमें बेहतर बनना है तो इस तरह की चीजें होती रहनी चाहिए। जेब में 2 कौड़ी नहीं है फिर भी देवर देखो पड़ोसन की देवर जैसे। एक्चुअली अब ये बात मैं साबित करके दिखाऊंगा। दिखाओ ना, डरते हो क्या? बस हो गया, बस करो मत। इंसान बस कब बोलता है? जब उसे संतुष्टि मिलती है। पहला पॉइंट साबित हो गया। हो गया। फिर खुशी कब मिलती है? अरे इतना मारोगे तो मर जाएगा वो। मैं रुका तो आपको तसल्ली हुई ना? पॉइंट टू, ये खुशी है। और हैरानी कब होती है? दैट्स पॉइंट नंबर 3। डोंट बी इन अ हरी, मैं बातों से नहीं करके बताने वाला हूँ। Sure, sure. करके नहीं, मार के बताता हूँ। बकरा बनाने के लिए मैं ही मिला था क्या? देखो इसे कहते हैं हैरानी। देखा, कोई इस तरह अपनी खातिरदारी कराना नहीं चाहेगा। सही कहा, मुंह की बात छीन ली। क्लाइमैक्स के बाद दी एंड तो होता ही है। ओह माय गॉड, बिग रॉड। मैं ले आया। ओके, अब हटा दो। हाथ का पंजा ही ठीक था, गाल मालो।
चाहे जितना मार लो। फैंटास्टिक सर, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। मेरे पापा के बारे में राय बदलने के लिए मेरे पास एक और एक्सपेरिमेंट है। डायरेक्शन चेंज करो। सर ये का टॉयलेट पेपर है। फीडबैक पेपर सर। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा लगा तो सुपर लिखो, बहुत अच्छा लगा तो एक्सीलेंट लिखो, हिंदी में भी लिख सकते। ये क्या कोई कॉमेडी सर्कस है? मेरे साले को बोल के तुम सालों का मसाला बना दूंगा। तुम्हारे भैया की लवर का एड्रेस मिल गया, वो शास्त्री नगर में रहती है, जाओ उसे किडनैप कर लो। लकी या तो तुम उसे मार डालो या फिर खुद आत्महत्या कर लो। ये क्या चल रहा है जी? भावना के प्यार की वजह से तुम भावनाओं में क्यों बह रहे हो? अरे वाह भावना की, वाह आ गई तुम भी। प्लीज सिट डाउन, एक पैग लगाओ, बताता हूँ। ये सब क्या कर रहे हैं? अब कोई पीना नहीं, छोड़िए इसे, छोड़िए। ये क्या पागलपन है? तुम दोनों एक ही हो, तुम लोग मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। बहादुर लोग मरते नहीं है, उल्टा मारते हैं। अच्छा, वैसे आपकी प्रॉब्लम क्या है? वो लकी और कौन? तो फिर लकी को मार डालो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। यस लकी। ये क्या किया बेटी, उसे कुछ हो गया तो? वो लकी है मामा, माइंड ब्लो कर देता है। एक दो। ए, वो दुल्हन को भगा कर ले जा रहा है, पकड़ो इसे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है लकी। अभी डरो मत, मैं हूँ ना। भाभी में तो अच्छा लग रहा है। लकी सच में तुम्हारे भैया मुझसे इतना प्यार करते हैं? अगर नहीं करते तो इतने सारे रिश्तों को ठुकराते। मुझे वो रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे थे। मुझे तो वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। तुम्हारे दिल में मेरे भैया है ना भाभी, इसलिए कोई पसंद नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। पता नहीं क्या क्या कह के मुझे ले जा रहे हो, तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। तुम्हारे भैया सच में मुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ, तुम्हारे कहने पर ही तो पुलिस ऑफिसर बन गए हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा था। क्या तुम्हें पुलिस ऑफिसर पसंद नहीं है? पसंद तो है। हाँ तो तुम्हारे मन की बात पढ़ ली। हाँ तो फिर चलो। हाँ लेकिन चलू तो चलू कहाँ से, इस तरफ। ओ माय गॉड, करेक्ट टाइम पे एंट्री मारी ससुर जी। फायरिंग क्यों रोक दी? बुलेट्स खत्म हो गए। ओह माय गॉड, तो भागो। लेकिन क्यों? ए, ये भी उस बदमाश की हेल्प कर रहा है। पकड़ो इसे, मारो इसे, इसे छोड़ना मत। इस लड़की के घर वाले हैं। अब ये लड़की कौन है? अरे आप देख नहीं सकते, दुल्हन है, इसे भगा कर ले जा रहा हूँ, आप भी भागो। एक और लड़की, अरे और कितनी लड़की है? अरे ससुर जी अब आपको जवाब चाहिए, जान चाहिए, जान चाहिए, तो फिर भागिए ना। भागो ससुर जी, जल्दी आइए। ससुर जी आप दीजिए। अरे छोड़ो, आप ये पकड़िए। जीप से गिरा गड्ढे में। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? जानू। सही कहा ना, मैंने फ्लैशबैक में तुम्हारा नाम सुन लिया था। तुम्हें सांबर पसंद है ना? सांबर पुराण शुरू हो गया। अगर तुम मेरे हाथ का बना सांबर खाओगी ना तो कभी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। सांबर हर मर्ज की दवा है। एक्चुअली कैंसर को भी सांबर ठीक कर सकता है, ऐसा भाभी को लगता है। एक गना तू देखना, ये अगर मेरे हाथ का सांबर खाएगी ना तो मेरी तरह जीरो फिगर हो जाएगी। हंस रही है अब, खुश ना? हेलो जानू, मेरी है, अगर तूने उसको हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल अब जाके कॉफी पी। अरे जाना। अब तो खुश हो ना? अब सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा पेन होगा पर घबराना मत, नो प्रॉब्लम, ट्विंस हैं, एक घंटे में डिलीवरी हो जाएगी।
यही है तुम्हारे हस्बैंड? प्रेजेंट मैडम। यू मीन हस्बैंड या रबर बैंड? हस्बैंड बाबा। वो मैं हूँ। ये मेरी वाइफ है, पर्सनल। ये मटका मैंने दिया है, बहुत मेहनत की है। आपको कुछ खटका है क्या? इनका ऑपरेशन है, आपकी सिग्नेचर चाहिए। बस इतना ही? चंपा कली, एक घंटे में हम पेरेंट्स बनेंगे दो दो बच्चों के। आई एम आउट। अच्छा, ऊटी के बाद हॉस्पिटल में सर्वे करने आ गए? आप जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। मैं वही हूँ। हम जानते हैं। मैं तो बस काम से आया था, आप यहाँ कैसे? किसी का पोस्टमार्टम करना था। पापा के सामने तो आप संस्कारों की बीन बजाते हैं, तो फिर ये क्या है? ये बैड हैबिट्स की कैटेगरी में नहीं आता। हाँ। हाँ? तो फिर इसे चेंज ओवर कहते हैं। चेंज ओवर? रिलैक्सेशन। और उस ऊटी की ट्रिप का क्या हुआ? काम के लिए ऊटी, रिलैक्स करने के लिए ब्यूटी। ओह, मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करेगा? अच्छी कहावत है, मतलब जानते हो? यू मीन बैंड बजेगा? नो आइडिया। आइडिया तो मैं देता हूँ। इतनी सुंदर बीवी है आपकी, ये हरकतें क्यों करते हो? टीवी पर चाहे कितनी भी फिल्में देख लो, 70 mm पर देखने का मजा ही अलग है। होम थिएटर आखिर होम थिएटर है, मल्टीप्लेक्स आखिर मल्टीप्लेक्स है। इतना गंदा एक्सप्रेशन क्यों? एक ओपन सीक्रेट बताऊं? हाँ। पत्नी पूजा घर जैसी होती है, उसमें मजा कहाँ? हाँ। पर गर्लफ्रेंड रिसॉर्ट के स्पा जैसी, माइंड बॉडी दोनों फुल रिलैक्स। आदमी का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, सोच क्रिएटिव और माइंड इंटेलिजेंट। सर आप घरवाली को कैसे मैनेज करते हैं? घरवाली को? घर में एंट्री मारते ही वो दौड़ के आती है। पद्मा, सारा दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। बॉस की डांट खाकर आधे दिन की छुट्टी ली है। मेरे हुजूर, आपका सुरूर पाकर मेरे दिल को गुरूर आ गया। इतना काफी है, तुम पर लट्टू हो जाएगी, तुम्हारे सारे फेवरेट पकवान बनाएगी। करेले का हलवा भी खाना। मैं हर डिश से थोड़ा थोड़ा लेता हूँ। पद्मा, तुम्हारी कुकिंग में मैजिक का जादू है। इतना बहुत है, तुम पर एकदम फ्लैट हो जाएगी। डार्लिंग, इतना सारा नहीं खा पाऊंगा, पर इसे वेस्ट भी करने का दिल नहीं करता। आप भी ना, खाना गपा गप कैसे खाते हैं मैं बताती हूँ। और फिर वो गपा गप सब चर जाएगी, वो फैट और मैं फिट। वो लेटते ही सो जाएगी और मैं गर्लफ्रेंड के पास। अगर आपकी बीवी को ये सब पता चला तो? उस मंद बुद्धि बेवकूफ में इतनी अकल कहाँ? इस सब की जिम्मेदार तो वो खुद ही है। अच्छा? तुम्हें शौक क्यों लगा? 2 साल से हमारे बच्चे नहीं हो पा रहे थे, मैंने कहा चलो चेकअप करवाते हैं। उसने मना किया, उसने कहा मैं फिट हूँ, तुम ही जाओ अपना खुद का टेस्ट करवाओ। मैंने किया, उस ब्यूटी पे सक्सेस, डबल सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। शक्ल से तो बहुत मासूम दिखते हो लेकिन जानवर हो। शराब को सिर्फ देखकर जज करने वाले बेवकूफ, पीने के बाद असली किक का पता चलता है कि मेरी चंपा की तरह नशीली है या फिर पद्मा की तरह डुप्लीकेट। औरतों को मेरी चंपा कली की तरह हरी भरी होना चाहिए, मेरी पद्मा की तरह नहीं, सूखे चूसे हुए गन्ने की जैसी। पद्मा भाभी, ये कहते हैं आप सूखे गन्ने जैसी हैं। पद्मा तू यहाँ कैसे धमक पड़ी? स्टार्टिंग से यही है, इसने हमारी सारी बातें सुन ली, हर एक शब्द सुन लिया। आप समझे तू? ये ऊटी खूटी गाने जाता था, अब यहाँ खड़ी क्यों है? मार साले को। मम्मी बचाओ। तेरी तो मुझे गन्ना कहा, मैं तेरे गन्ने जैसे लगती हूँ। मार बोलो, पागल से मार, नकलो को झूठ क्या करती? टीवी और वो मल्टीप्लाई को यहाँ पूजन करती थी और वो कैश करता था। मार, अपना स्वामी समझती थी लेकिन तो करा कि मैं इसे मारूं। आग में तेल क्यों डाल रही हो बेटी? तू मारेगी तो वो मर जाएगा। जाओ मरो। तुमसे लाइफ में बहुत कुछ सीखना है बेटा। सॉरी सर, मैं इतना भी महान नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, एक बार फिर से टेस्ट करवा लो, ठीक है? आप क्या फायदा।